ऑर्बीज। अब आप सब लोग जानते हो ऑर्बीज क्या होती है, मतलब छोटी छोटी से एक नन्हे नन्हे से दाने से होते हैं, बॉल आती है वो ऑर्बीज की, जिन्हें पानी में डालते हैं और वो बढ़ जाती है, इतनी बढ़ती है, इतनी सी होती है, 100 गुना हो जाती है अपने साइज की, मतलब बहुत छोटी छोटी सी बॉल होती है और वो बढ़ बढ़ के इतनी मोटी मोटी हो जाती है। और सारी की सारी ऑर्बीज हमने बड़ी करके इकट्ठी कर ली स्टब में। देखो कितनी सारी ऑर्बीज है हमारे पास यहाँ। अब ये सारी ऑर्बीज है, देखो येरी, और ये बॉल जब आप इन्हें टच करते हो ना तो बहुत सुंदर लगती है, ऐसे तो बहुत अच्छी लगती है, इन्हें टच करना भी बड़ा अजीब सा और अच्छा लगता है। ये बॉल होती है। अब क्या होता है, नॉर्मली ये बॉल बाउंस भी करती है, गिल गिली सी लगती है आपको क्योंकि पानी से फूली हुई है, बट अगर इन बॉल पे डाल दी जाए लिक्विड नाइट्रोजन जिस भी चीज़ पे जाती है उसको जमा देती है। बहुत ज़्यादा ठंडी है, -190 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है, तो बहुत ठंडी है। अब जो नॉर्मल चीज़ है वो पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, बट -190 बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। कुछ भी चीज़ अगर आप लिक्विड नाइट्रोजन में डिप करके रखते हो तो सॉलिड हो जाती है। आपने पहले वीडियो में देखा होगा, टमाटर हो, फल हो, कुछ भी हो, एकदम सॉलिड हो जाएगा। जो सॉफ्ट चीज़ भी है ना उसे पानी में मारोगे तो पत्थर हो जाती है, टूट जाती है, बिखर जाती है। बट ऑर्बीज क्या है, अगर मैं नॉर्मल अपने हाथ में मारूं तो ये देखो क्या हो रहा है, ये बाउंस करती है, टूटती तो नहीं है, बट लिक्विड नाइट्रोजन में जाने के बाद इनके साथ क्या होने वाला है, ये ऐसे ही रहेंगी, ये सॉलिड हो जाएंगी, क्या होगा इनके साथ, तो वही ट्राई करने वाले हैं। इनके ऊपर डालेंगे लिक्विड नाइट्रोजन, ये रहा हमारे पास लिक्विड नाइट्रोजन पूरा, तो ये लिक्विड नाइट्रोजन डलेगा इन ऑर्बीज के ऊपर और फिर देखेंगे कि क्या होता है। तो डालते हैं लिक्विड नाइट्रोजन। तो ऑर्बीज के पूरे टब में डालने से पहले इसमें डालेंगे, यहाँ पे एक ढक्कन लिया हमने और उसके ऊपर ऑर्बीज सेट करी। अब इसमें क्या हुआ, जो ऑर्बीज है वो सिंगल लेयर में है तो सिर्फ लिक्विड नाइट्रोजन जाएगा, पूरे टब में क्या उसमें पानी भी है तो रिएक्शन अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं कैसा लगता है, ये रही नाइट्रोजन, ये खुलते ही मजा आ जाता है एकदम। एक चीज नोटिस करी, जो हमारा ढक्कन था वो सीधा था बट अब ये मुड़ चुका है, देखो बैंड हो गया पूरा, और कुछ और भी इस पे फर्क नहीं आया पर कुछ पे आया, इधर कुछ जम चुकी है, थोड़ी सी जमी है, इधर की नॉर्मल है, बीच वाली ये जमी है, ये जमी है और भी नीचे ढक्कन पे आपको दिख रहा होगा और भी इसका क्या होगा, ये ये फ्रोजन ऑर्बीज है। पहली बार आपने देखा होगा कि ऑर्बीज फ्रोजन, ये रही ऑर्बीज की बर्फ जम चुकी है, ये रही जम चुकी है ऑर्बीज बिल्कुल। अब ये थी थोड़ी सी, अब क्या होने वाला, पूरे टब में जाएगा लिक्विड नाइट्रोजन, टब भर के ऑर्बीज, और बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो टब में डालते हैं नाइट्रोजन और देखते क्या होता है। तो आगे अपना टब, ये रही नाइट्रोजन और अब होगा धमाल। रेडी, 1 2 3। अब ये देखो अंदर से पहले आपको बाहर ही दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे भी बर्फ जम चुकी है, तो सॉलिड हो गई है इधर से भी, और ऊपर से अगर दिखाऊं आपको, देखो ऊपर से कितनी सॉलिड हुई है, देखो पूरी बॉल जम चुकी है, ऐसे हो गया कि बर्फ के गोले हो छोटे छोटे। और ये देखो वही जो पहले हुआ था ना, ऊपर तो बर्फ होती है, ये देखो आपको दिखाई दे रही होगी, अगर मैं दिखाऊं पास से, और दूसरी बॉल ले लेते हैं, देखो क्रैक दिख रहे हैं, ऊपर बर्फ जमती है और नीचे और भी सॉफ्ट रह जाती है। तो इस बार भी ये हुआ, ये रहा बिल्कुल पहले जैसे, और बहुत प्यारी लगती है, ये देखो आपको दिख रहा होगा कैसे बिल्कुल आँख जैसे बन गया यहाँ पे, तो ये बड़ा क्यूट सा, बड़ा सुंदर सा लग रहा है, एकदम अलग सा नज़ारा हुआ है यहाँ पे। और ये देखो सारी की सारी ऐसी ऑर्बीज आपने कभी नहीं देखी थी,
देखी है कभी तो मुझे बताना जरूर आपने कहाँ देखी है ऐसी ऑर्बिस, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखी है ऐसी ऑर्बिस। ऑर्बिस नॉर्मली कैसी होती है? ऐसी, और जो हमने बनाई है लिक्विड नाइट्रोजन में जाने के बाद वो हो गई ऐसी। तो ये डिफरेंस आता है ऑर्बिस में नाइट्रोजन में जाने के बाद। तो ये जम जाती है, देखो कैसे जम गई है यहाँ पे, बिल्कुल अलग लग रही है। दोबारा दिखा दूँ आपको, ये भी ठंडी गई है। तो दोनों में फ़र्क देखो कितना, ये पूरी जम चुकी है और इधर हीरा, ये बर्फ़ है, ये जो उसके ऊपर आ गई ना हीरी, ये सारे में ये पूरी जम चुकी है। और असर कहाँ तक आया है? नाइट्रोजन का ऊपर ऊपर। ऑर्बिस ने झेल लिया, नीचे तक असर जाने नहीं दिया। नीचे वाली ऑर्बिस देखो एकदम साफ, अगर मैं घुमा दूँ तो ऊपर वाली फ्रोजन वाली गायब हो जाएंगी। हो गई ना गायब, ये एक दिख रही है बस, बाकी सब गायब हो चुके। तो नाइट्रोजन तक का असर नीचे बिल्कुल नहीं गया। हीरा नीचे से नॉर्मल ऑर्बिस निकल रही हैं, जो जमी थी वो सिर्फ ऊपर ऊपर जमी है। तो अब आपको पता चल गया होगा ऑर्बिस में लिक्विड नाइट्रोजन मिलती है तो क्या होता है। ऑर्बिस इतनी मजबूत है कि लेयर बाय लेयर उसकी रहती है, तो ऊपर लिक्विड नाइट्रोजन जमा दिया, एक लेयर दो लेयर तीन लेयर तक मैक्सिमम उसकी रेंज गई थी लिक्विड नाइट्रोजन की, और बहुत सारा डाला था, पूरा का पूरा टैंक खाली कर दिया मैंने ऑर्बिस के ऊपर, फिर भी ऊपर की दो तीन लेयर जमी, नीचे की ऑर्बिस एकदम नॉर्मल निकली है। तो ये होता है रिएक्शन लिक्विड नाइट्रोजन और ऑर्बिस का। अगर आपको मजा आया वीडियो में तो वीडियो करना लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात का वेट करो, जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। अब मिलेंगे दोबारा नई वीडियो में कुछ नया करते हुए, तब तक के लिए बाय बाय।